गाइस बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं यहाँ पे हूँ हैलोंग बे पे। कुछ भी घूमने लायक नहीं मिला कल, पूरा सब कुछ बेकार जा रहा है। और अभी मैं कैब कर रहा हूँ और यहाँ से मैं जाऊँगा रॉक माउंटेन। सुबह के 5 बज रहे हैं, बस 2 किलोमीटर दूरी है जो पोयम माउंटेन है, यहाँ का फेमस पोयम माउंटेन जिस पर चढ़ के लोग व्यू से फ़ोटो डालते हैं। वो पोयम माउंटेन यहाँ पे पास में है और उसका नाम नुई बाई थो, यहाँ के हिसाब से नुई बाई थो है रॉक माउंटेन उसे बोलते हैं। तो वहीं जा रहे हैं, 2 किलोमीटर है, पैदल ही चले जाते हैं क्योंकि सुबह टैक्सी या कुछ भी नहीं मिल रहा है 5 बजे, ना टैक्सी ना बाइक राइड कुछ भी नहीं मिल रहा है, सारे ऐप पे जो है ड्राइवर्स अवेलेबल नहीं है। तो पैदल ही जाते हैं, देखते हैं कैसा व्यू है वहाँ का, फिर बैठते हैं, फिर वापस होटल जाएंगे और फिर हमारी 8 बजे की फ़्लाइट है, 8 बजे की टैक्सी है जो हमें एयरपोर्ट छोड़ेगी। काफ़ी यहाँ पे अगर आपको आना है हैलोंग बे तो एक बात ध्यान में रखिए कि आप टाइम लेके आइए, एक दिन में हैलोंग बे नहीं घूम सकते क्योंकि जगह बहुत बड़ी है और कई जगह हैं जहाँ पे आप फेरी से जा सकते हैं, टैक्सी या बाइक से जाना पॉसिबल नहीं है। तो गाइज यहाँ पे आइए तो टाइम निकाल के आइए, मेरी तरह एक दिन में आएंगे तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको आने जाने में ही टाइम ख़राब हो जाएगा। गाइज ये वो रास्ता है जहाँ मुझे लगभग अभी 1.5 किलोमीटर चलना है। चलते चलते मशीन दिख गई है, चलिए कुछ खाने के लिए ही ले लेते हैं। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था उसमें खाने के लिए, सुबह के टाइम थोड़ा गर्म चाय टाइप की चीज़ चाहिए होती है, फिर तो वहाँ पे सारा फ्रीज़र है तो सारा ठंडी चीज़ें हैं और हल्का जुकाम भी है तो मैं तो कुछ नहीं लिया। ये टाइम बता रहा है कितना बज रहा है, मैं लगभग आ गया हूँ 600 मीटर पे लेफ्ट वाले रास्ते पे, मिल जाएगा हमको। गाइस आपको ये पहाड़ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन लगभग पहुंच गया हूं मैं वहां पे। ये देखिए पीछे पहाड़ है, अभी तो 6 बजने वाला है तो अभी ज़्यादा नहीं दिखेगा पहाड़, थोड़ा क्लियर हो जाएगा पहले। अब बस मुझे मॉर्निंग होने का वेट करना है, जैसे ही उजाला निकल आएगा मेरे को व्यू बहुत अच्छा लगने वाला है, जहाँ समझ रहा हूँ जहाँ तक। गाइस ये कोई मंदिर है यहाँ का, वियतनामीज मंदिर, जहाँ तक मुझे लग रहा है पीछे माउंटेन है। जाना था बट सरकार ने बैन किया हुआ है अभी उस जगह पे जाना, मार्केट में सेल करना। गो अपसाइड माउंटेन, अपसाइड माउंटेन, नो गाइस। ये सब जो देश हैं थाईलैंड वियतनाम, ये सब स्त्री प्रधान देश है, यहाँ पे सारे काम स्त्रियाँ करती हैं। आपने जैसे पुरुष प्रधान देश है, यहाँ पे सारे काम जितने भी काम हैं लड़कियाँ ही करती हैं, चाहे ड्राइवरी हो या कुछ भी हो, सब लड़कियाँ करती हैं। ओनली वन ओके, स्ट्रॉ थैंक यू, हाउ मच? 25 ओके थैंक यू। गाइस ये नारियल जो खरीदा है 25,000 वियतनामीज डोंग का है, जो इंडिया के हिसाब से 70 से 80 रुपए का पड़ता है। और आपको बैक साइड का व्यू दिखाता हूँ, बहुत अच्छा है, मैं उजाला होने का इंतजार कर रहा था। गाइस काफ़ी मीठा है ये, इंडिया में जैसा होता है वैसा तो है लेकिन मीठा ज़्यादा है बस इंडिया से, काफ़ी अच्छा है, टेस्टी है। ये देखिए ये फिश मार्केट है, यहाँ पर सारा नॉन वेज का काम हो रहा है, सब फिश पकड़ के ला रहे हैं, काट रहे हैं, कुछ फ्रूट्स बेच रहे हैं, फिश एंड फ्रूट्स। एंड बाहर का वहाँ का व्यू मैं अभी दिखाऊंगा, मैं नारियल पानी पी लूँ फिर उसके बाद यहाँ का व्यू दिखाता हूँ आपको, बहुत अच्छा व्यू है। डू यू हैव वाईफाई? वाईफाई हॉटस्पॉट ले रहे हैं, शायद काम बन जाए मेरा।
और मैं वापस टैक्सी करके घर सब जा सकूँ। मेरे पास सिम कार्ड नहीं है, मेरे फ्रेंड के पास है, वो होटल में है। तो थैंक यू गाइस, मैंने यहाँ का वाईफाई कनेक्ट कर लिया तो मेरा जो होटल है मैं वहाँ पे वापस जा सकूँ। इसके लिए मैंने इंतजाम कर लिया है पहले से ही, एड्रेस मिल गया है और अभी मैं ग्रैब करके वहाँ वापस चला जाऊँगा। ग्रैब यहाँ की ऊबर ऐप जैसे होती है इंडिया में, वैसे यहाँ पे ग्रैब है। आपने गाइस मेरी ड्रिंक ख़त्म और मैं जा रहा एक्सप्लोर करने चीज़ें, क्योंकि उजाला भी हो गया, दिन भी हो गया और मेरे पास बहुत कम टाइम है। मुझे वापस होटल भी पहुँचना है लगभग 8:30 बजे तक, और अभी बज रहा है 6:30 हो रहा है, मुझे 8:30 तक होटल वापस पहुंचना है। हुक्का टाइप की चीज़ है, मुझे ऑफर कर रहा है लेकिन ओके जा चिलम टाइप की चीज़ है, चिलम जैसे अपने यहाँ चिलम पीते थे, ये 5-6 लोग कुछ बनाते हैं। चिलम हुक्का चीमा इंडिया यस इंडिया नो स्मोकिंग नो आई डोंट स्मोक गाइस तो सुबह हो गई है, उजाला हो गया, चीज़ें दिखने लगी हैं अब, और आप देख सकते हैं मैं कितनी खूबसूरत जगह पे हूँ। ये विनकॉन प्लाजा है, देख सकते हैं हेलोंग बे कितना खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। वहाँ पे बोट भी है, अगर आप बोट से सैर करना चाहते हैं तो सैर कर सकते हैं, बट मेरे पास टाइम नहीं है इस वजह से मैं नहीं कर सकता ये चीज़। अगेन ये लोग मछली पकड़ के ले जा रहे हैं, इसको बेचेंगे अपनी लोकल मार्केट में। ये शायद मेन मार्केट लग रही है होलसेल वाली। ये देखिए समुद्र से निकली हुई अजीब अजीब चीज़ें, ये जो टोपी लोग पहनते हैं ये यहाँ की परंपरा में है और ये धूप से भी बचाती है। ये लोग तो मछलियों का कचूमर निकाल देते हैं। गाइस जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे केवल और केवल मछलियाँ और सी फूड्स वगैरह ही है और लोग पकड़ते हैं और बेचते हैं और कुछ नहीं है यहाँ पे, बोटिंग नहीं है यहाँ पे। मुझे लगा यहाँ पे बोटिंग होगी, नहीं बोटिंग नहीं होती है, ये कॉमर्शियल गाड़ियाँ कॉमर्शियल बोट्स है जो केवल और केवल मछलियाँ पकड़ने और मछलियाँ बेचने के काम में आती है। मैं और आगे जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या है। This? You liking it? My this? Oh, thank you. My beard. He's liking my beard. That's strange. मैं खुद नहीं like करता अपनी beard, तो उसको अच्छी लग रही है। Hello. पहले लगा था पैसे बर्बाद हो गए फ्लाइट से आना जाना बस, लेकिन अब लग रहा है कि हाँ जल्दी उठ के सब कुछ देख लिया, और देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि टाइम होता तो मज़ा आ जाती, लेकिन टाइम नहीं है, मुझे वापस 8:30 पे होटल पहुंचना है और ऑलरेडी 6:45 हो गया है, मेरे पास बहुत कम समय है। खैर होटल यहाँ से 1.4 किलोमीटर की दूरी पे है, तो मैं ग्रैब टैक्सी करके मैं पहुँच सकता हूँ बहुत जल्दी। ये आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। बहुत ही अच्छी हवा चल रही है और व्यू बहुत अच्छा है। इधर इस साइड होटल हैं ताकि लोग व्यू ले सकें। ये रास्ता है ऊपर जाने का, अगर सांप सीढ़ी वाला खेल देखें तो एक शॉर्टकट रास्ता है और एक लॉन्ग कट रास्ता है। थैंक यू दिस वे ओके लिफ्ट मिल गई है, बट हेलमेट लगाना होता है सो मैं हेलमेट लगा लेता हूँ।
थैंक यू। हेलमेट लग गया है और लिफ्ट मिल गई है। दैट एरोप्लेन मैं तो लग रहा है जंग पे जा रहा हूँ। यस 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 हाँ या 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 दिस दिस दैट्स लवली। लिफ्ट मांगना काम कर गया। ओह दैट्स ब्यूटीफुल। थैंक यू। या स्टॉप 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 या 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 थैंक यू सो मच। या योर हेलमेट। या थैंक यू गाइस। हेलमेट लगा के घूम लिए। थैंक यू बाय।